जिस तरह से उनका मिशन वो कामयाब करने के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनको खैरियत और आफियत के साथ हमारी दुआ है लौटाए। यही मैं रिपीट करूंगा कि मुजज़े होने में कोई ऐब वाली बात नहीं है, अल्लाह पाक के सामने मुजज़ा हो सकता है। और इंशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने ये बग़ैर ऑक्सीजन के एक दिलेरी वाला काम जो कर दिखाया है, चूँकि इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके एजाज़ में जो अवार्ड्स होते हैं, जो इनामात होते हैं, उसमें मज़ीद इजाफे के साथ इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर सोच रहे हैं। तो ये आज का हमारा, चूँकि पूरी कौम को इस हवाले से तश्वीश थी, ये बाकायदा तौर पे पैगाम देना कि हमारी पाक फ़ौज और हमारी आर्मी एविएशन इस सर्च ऑपरेशन में आज 3 दिनों से अपनी पूरी कोशिश कर रही है। एक उस खातून को मैंने ख़ुद टेलीविज़न पे देखा जो 64 दिनों के बाद वो ज़िंदा निकली थी, एक बड़ी बिल्डिंग से वो ज़मीन बोस होके। तो अल्लाह पाक के उस निज़ाम से पुरुमीद हैं कि यकीनन ज़िंदा वहाँ रखने में, पत्थर के अंदर कीड़े को अगर रिज़क मिलता है ज़िंदा रह सकता है वो कीड़ा, तो इस उम्मीद से हम कह सकते हैं। बाकी तो अल्लाह को पता है, और आपकी बात दुरुस्त है कि उनका बेटा साजिद इसका ऐनी शाहिद है, तो हमें हौसला रखना चाहिए और अल्लाह पे उम्मीद भी रखनी चाहिए। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने उनके बेटे साजिद को अपने साथ उस मिशन पे वो लेकर गए थे, सर्च मिशन पे, और साथ ही साथ हमारे मकामी कोह पैमा और फिर गैर मकामी कोह पैमा भी इस तलाश में आज मौजूद थे। बाकी इंशाल्लाह ये जो समिट है ये तकरीबन हर साल होते हैं, और मोहम्मद अली सतपारा तो हमारे पहले के हीरो हैं, तो इनको हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह जिस तरह से इनके एजाज़ में और इनके बेटे के एजाज़ में जो देगी वो इंशाल्लाह ताला कौम को पता चलेगा। -63 डिग्री सेंटीग्रेड का इलाका है, एरिया है, वो पहाड़ है -63, और उसमें बहुत आज की तो धुंध की तो हद, मतलब बिल्कुल हद निगाह ज़ीरो लेवल पे थी। तो उसके 22 जो है ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी बड़ी इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं। तो इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से पूरी कौम को, अपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को, बिलखसूस मोहम्मद अली सतपारा जो हमारे हीरो हैं, उनको, उनके वर्सा को, और फिर जो हमारे गैर मुल्की सियाह को पेमा जो उसमें शामिल हैं, उनके घर तक, उनके ममालिक तक हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि निशानी मौजूद थी, वहाँ से ये डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो बस इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज, जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है, और उसके साथ आर्मी एविएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, और इन सब से बढ़ के कि जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने पिछले साल भी नांगा पर्वत का इन्होंने सर किया था बग़ैर ऑक्सीजन के, तो इस दफ़ा भी इनका जो एक जुनून था उस जुनून को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी जो हिम्मत दिखाई है, और इस वक्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर यकीनन परेशानी से दो चार ज़रूर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी आर्मी एविएशन उनको सर्च करने में कामयाब होगी बहुत जल्द। बहसियत एक मुसलमान मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके साथ मौजज़ा हो और वो हमारे सामने आ जाएं, ज़िंदा आ जाएं, रेस्क्यू हमारी फ़ौज उनको करे, करने में कामयाब हो जाए। बाकी उनके एजाज़ में इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपने एक पेपर में और टॉक में बताया है एक दो चैनलों को, तो यकीनन उनके साथ पहली दफ़ा इंशाल्लाह हमारी कौम भी कहेगी कि वाकई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसे हीरोज़ के लिए जो किया है। मैं वक्त से पहले डिस्क्लोज़ करूंगा, उसका इतना टेस्ट नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसके ऊपर
प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिलखसूस होम डिपार्टमेंट इसके साथ, आर्मी एविएशन के साथ और पाक फ़ौज के साथ लम्हा बलम्हा उनके साथ रबते में हैं, और इंशाल्लाह हम पुरउम्मीद हैं कि उनको जल्द अज़ जल्द उनकी तलाश मुकम्मल हो जाएगी। और उसके साथ साथ बहुत ऊंची ऊंचे पहाड़ यानी 7000 फीट की मीटर्स की बुलंदी के ऊपर हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने अपनी सर्च, आज तीसरा दिन है, चूँकि आज भी मौसम ख़राब था जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल और दुश्वार हो रहा है कि उसको उनको सर्च किस तरह से किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी एविएशन इसमें कामयाब हो जाए। इसकी तस्वीरें ली गई हैं जीपीएस के सिस्टम से, ये सारी वो तस्वीर हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पॉइंट करके भी दिखाया गया है। कल अल्लाह ने चाहा अगर मौसम थोड़ा बहुत भी बेहतर हो जाता है तो आपको ख़ुद पता है हमारी आर्मी एविएशन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी पायदारी है और कितनी उनके अंदर कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट पे पूरा उतर के इंशाल्लाह ताला इस समिट पे जाने वाले जो हमारे हीरो के साथ जो दो गैर मुल्की थे उनको इंशाल्लाह रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। हिंदुस्तान चूँकि ग्रांट इन एड पे चलता है, अपना कोई ऐसा सच बजट बहरहाल नहीं है, लेकिन पीटीआई की इस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट कमिटेड है कि टूरिज़्म के ऊपर और फिर ये जो एक्सपीडिशंस आपके हैं इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़्म का और इस किस्म के जो कोफ पैमा हैं, जो मुल्की हैं गैर मुल्की हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पीटीआई की गवर्नमेंट के इरादे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में हमारे इस दौर में बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सहूलियात हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे देंगे, और फिर इस किस्म के प्राइजेस इनके एजाज़ में अवार्ड्स मिलेंगे कि जिनसे बेहतरी होगी। अभी मोहम्मद अली सतपारा ने जिस तरह इन्होंने इस सीज़न में विंटर सीज़न में बहुत बड़ा रिस्की होता है, इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान का वो झंडा जिसके लिए हमारे जानें कुर्बान होती हैं उसको सिर्फ वहाँ लहराने के लिए, ये जज्बा मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा जज्बा है, शोक से हट के इस मुल्क के साथ जज्बा शो करता है। गिलगित बल्तिस्तान में सनत का दर्जा देके हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन हमें कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आया माजी में, अब आपकी हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है इस हवाले से? अभी अमली इकदाम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंशाल्लाह इसके लिए स्पेशली टूरिज़म के हवाले से यहाँ से आपका टूरिस्ट चलेगा गिलगित के लिए तो जितने विजिटिंग स्पॉट्स हैं और फिर स्टेशंस हैं स्टेइंग स्टेशंस उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम आम मुसाफिर के लिए उस सियाह के लिए सहूलियात देंगे। उसमें अच्छे अच्छे वाशरूम्स हम इंशाल्लाह कायम करने वाले हैं, उसके साथ रेस्ट एरियाज उनके पास होंगे, और जितना आप अपने सियाह को आप अपने टूरिस्ट को फैसिलिटी देते हैं उतना वो अट्रैक्ट होता है। हम प्रैक्टिकल की तरफ इसलिए जा सकते हैं और जा रहे हैं क्योंकि खान साहब की पॉलिसी है कि गिलगित बल्तिस्तान को वो पाकिस्तान का टूरिज़्म का वो हब बनाना चाह रहे हैं, और इसके ऊपर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हो रहा है।